कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर विवाद गहराने के बाद पार्टी की ओर से बदलाव किया गया है। 4 जिलों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। जिलाध्यक्षों में एक भी नाम अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं होने के कारण विवाद बढ़ गया था, जिसे लेकर कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने दिल्ली जाकर आलाकमान से शिकायत की थी। अब पुरानी लिस्ट में बदलाव कर रामगढ़ से मुन्ना पासवान, गढ़वा से उबैदुल्ला हक अंसारी, साहिबगंज से बरकतुल्ला खान और कोडरमा से भगीरथ पासवान को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिन 4 जिलाध्यक्षों को बदला गया है उन्हें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिम्मेदारी दी जाएगी। धनबाद में मार्बल व्यवसायी पर जानलेवा हमले में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों को धनबाद एसएसपी ने मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि सुजल गुप्ता घटना का मास्टरमाइंड है और रंगदारी के लिए इंस्टाग्राम से व्यवसायी को धमकाया करता था। एसएसपी ने व्यवसायियों से अपील की है कि अगर कोई अपराधी उन्हें रंगदारी के लिए फोन करे तो डरने की बजाय सीधे पुलिस से संपर्क करें, पुलिस हर स्थिति में उनकी मदद करेगी। पलामू में सदर एसडीएम के पेशकार अशोक कुमार को एसीबी की टीम ने 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने जमीन विवाद में 133 सीआरपीसी के तहत एसडीएम कोर्ट में केस किया था। सदर अनुमंडल कोर्ट में केस खारिज हो चुका है, इसके बावजूद उसके वकील और एसडीएम के पेशकार अशोक कुमार उससे घूस मांग रहे थे। बेरमो के नवाडी प्रखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पुलिस और सीआरपीएफ की सख्ती के बावजूद नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बीती रात पिंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के पलामू, सारूबेड़ा, पत्थरकटुआ, हरलाडी इलाके में पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। पुलिस ने पोस्टर हटा दिया है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में खेलो झारखंड के तहत जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर विधायक विरंची नारायण ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि खिलाड़ी आगे चलकर राज्य और जिले का नाम रोशन करेंगे। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में फाइनल ईयर के छात्र का पंखा से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। मृतक तेलंगाना का रहने वाला है और 2018 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सेमेस्टर 4 का छात्र था। घटना के फौरन बाद आईटीआई प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना के बाद छात्र को निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां भी चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। लोहरदगा में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने को लेकर जिले के युवक युवतियों की भीड़ कल्याण विभाग में उमड़ी। सैकड़ों की संख्या में कल्याण विभाग में लोग पहुंचे थे, जहां लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई। आपको बता दें कि योजना के तहत एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को 50,000 से लेकर 25 लाख रूपये तक की ऋण दी जा रही है, जिसका आवेदन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। आवेदन के अनुसार लगातार लाभुकों की स्क्रूटनी की जा रही है।